वेलकम इन द क्लास ऑफ एचपी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। आज का जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं पेंशन वाला जो क्वेश्चन करेंगे उसी में एक पॉइंट आएगा आपका फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन किसे किसे दी जाती है और कितनी दी जाती है आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर वो क्वेश्चन में पूछता है कि कितनी फैमिली पेंशन बनी है, ठीक है, और किस ऑर्डर में देंगे आप फैमिली पेंशन को, किस तरह से देंगे आप फैमिली पेंशन को। ठीक है, पहली बात तो फैमिली पेंशन दी क्यों जा रही है। जब भी किसी एम्प्लॉय की डेथ हो रही है, चाहे वो इन सर्विस है चाहे आफ्टर रिटायरमेंट है, तो उसकी उसके घर वालों को जो है फैमिली पेंशन दी जा रही है। ठीक है, सबसे बात पहले बात करते हैं हम लोग इनहांस्ड फैमिली पेंशन की। इनहांस्ड फैमिली पेंशन जो है वो एम्प्लॉय के घर वालों को दी जा रही है अप टू द एज ऑफ 65, उसकी जब रिटायर होने के बाद 65 की एज या डेथ होने से 7 साल तक, इनमें से जो भी चीज पहले हो जाएगी वो इनहांस्ड फैमिली पेंशन उसके घर वालों को दी जाएगी। इनहांस्ड फैमिली पेंशन का मतलब होता है टोटल पेंशन। जो टोटल पेंशन आपने निकाली है यानी कि बेसिक और ग्रेड पे का 50% जो आप निकाला है वही उसी रेट पर जो है उसके घर वालों को पेंशन दी जाएगी। लेकिन कब तक, अगर मान लें वो 56 की एज में उसकी डेथ हो जाती है तो 7 साल और 63 की एज तक इनहांस फैमिली पेंशन दी जाएगी और उसके बाद पेंशन को घटा दिया जाता है वो 50% से जो है 30% कर दी जाती है। ठीक है, किस ऑर्डर में देंगे हम लोग फैमिली पेंशन, किसे किसे देंगे हम लोग। अगर हम लोग उसकी फैमिली की बात करें कि किस किस को दी जाएगी, उसके स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और डिसेबल्ड सिबलिंग्स हैं कोई तो इन सबको दी जाएगी। ठीक है, स्पाउस की बात करें अगर हम लोग तो स्पाउस को जो दी जाती है वो पेंशन अप टू द डेट ऑफ डेथ और रीमैरिज, जब तक उसकी मैरिज नहीं हो जाती दोबारा से या उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक उसको वो पेंशन दी जाती है। चिल्ड्रन की बात करें, चिल्ड्रन को तो दी जाएगी इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, उनकी उम्र के हिसाब से बड़े से छोटे के क्रम में ये दी जाएगी। ठीक है, अब यहां पे ये बात कई बार होती है कि अगर ट्विंस हैं दो तो उनको बराबर पेंशन बांट दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर अनमैरिड सन है तो अनमैरिड सन का आपने ध्यान रखना है जब तक कि उसकी उम्र 25 साल की नहीं हो जाती या जब तक उसकी मैरिज नहीं हो जाती, तो इसमें से जो पहले हो जाएगा ठीक है तब तक ही मिलेगी उसको फैमिली पेंशन, उसके बाद उसको फैमिली पेंशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर किसी पेंशनर ने अडॉप्टेड चाइल्ड है, किसी का एडॉप्टेड चाइल्ड है, चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, तो उस एडॉप्टेड चाइल्ड को पेंशन नहीं मिलेगी, इस चीज को ध्यान रखना है आपने। अगर डिसेबल्ड चाइल्ड है तो डिसेबल्ड चाइल्ड का आपने ध्यान रखना है, डिसेबल्ड चाइल्ड को पूरी उम्र तक ठीक है पेंशन मिलेगी। अब बात यहां पे है कि मान लिया कि दो बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है और छोटा बच्चा डिसेबल्ड है, तो बड़े बच्चे को आप 25 साल की उम्र तक पेंशन देंगे और उसके बाद जो पेंशन है वो डिसेबल्ड चाइल्ड को चली जाएगी और वो पूरी उम्र तक उस पेंशन को प्राप्त करेगा। अब बात आती है यहाँ पे पेरेंट्स की। अगर पेरेंट्स पूरी तरह से डिपेंडेंट है, उस एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो उनको पूरी उम्र तक पेंशन मिलेगी। ठीक है, अगर यही रूल डिसेबल्ड सिबलिंग्स के लिए होता है, अगर डिसेबल्ड सिबलिंग्स है तो पूरी तरह से अगर डिपेंडेंट है अगर उसके ऊपर, तो उनको भी पूरी उम्र उनको पेंशन दी जाएगी। अब बात यहां पे आती है, अगर उसकी लड़की है, लड़की के लिए ध्यान रखना है कि वो अनमैरिड भी हो सकती है, तो अगर अनमैरिड डॉटर है तो जब तक उसकी मैरिज नहीं होती है तब तक दी जाएगी उसको, लेकिन अगर डिवोर्स्ड है और विडोड है वो, तो ये भी उसके लिए कि जब तक उसकी दोबारा शादी नहीं हो जाती है या जब तक वो अपना दोबारा से कमाई नहीं करने लग जाती है, तो इसमें से जो भी चीज पहले यानी कि मैरिज हो जाए पहले या उसकी नौकरी लग जाए पहले, तो जो भी चीज पहले हो जाएगी तब तक उसको पेंशन मिलेगी। ठीक है, अब बात यहां पे आती है कि अगर किसी की दो पत्नी है तो वो क्या करेगा उस कंडीशन में, और पहली कंडीशन ये है कि अगर दोनों जिंदा है तो क्या करेंगे आप, तो उसके लिए है फर्स्ट वाइफ को 50%, ठीक है, और सेकेंड वाइफ के बच्चों को 50% दिया। ठीक है, तो पहली कंडीशन अगर दोनों वाइफ अलाइव हैं तो पहली को 50% और दूसरी के बच्चों को 50% दिया जाएगा। अब वो बोल रहा कि फर्स्ट वाइफ नहीं है, फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई है लेकिन सेकेंड वाइफ थी और वो विडो हो गई है, तो यहां ध्यान रखना है, यहां उल्टा कर देंगे हम लोग, फर्स्ट वाइफ के
चिल्ड्रन को और सेकंड वाइफ को 50% दिया। ठीक है, अब यहां पे एक और पॉइंट उठता है कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ नौकरी में थे और उन दोनों की फैमिली पेंशन है मिल रही है, तो क्या दोनों की फैमिली पेंशन जो है उनके बच्चों को जाएगी? तो बिल्कुल, जो दोनों फैमिली पेंशन है, दोनों फैमिली पेंशन उनके बच्चे पाने का हकदार रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और वो पॉइंट है आपका GIS का। GIS यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई सर्विस में एंट्री करता है, ठीक है, तो एज ए रेगुलर उस टाइम उसका GIS कटना शुरू हो जाता है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के लिए आपने ध्यान रखना है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का जितना भी शेयर होता है वो 70% सेविंग फंड में जाता है और 30% इंश्योरेंस फंड में जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाले, जिस टाइम आप जॉब में लगे हैं उसी दिन से ये इंश्योरेंस फंड कटना शुरू हो जाएगा, और ये जो सेविंग फंड है ये 1 अप्रैल से कटना शुरू होगा। ठीक है, अब जरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे TGTs है तो TGTs का 30 रुपए कटता है GIS का, तो 30% यानी कि 9 रुपए जाता है आपको इंश्योरेंस फंड में और 21 रुपए जाता है आपका सेविंग फंड में। इसी तरह लेक्चर्स है, जैसे 60 रुपए कटता है उनका तो 42 रुपए सेविंग फंड में चला जाता है और 30 रुपए इंश्योरेंस फंड में चला जाता है। फिर से ध्यान रखेंगे हम लोग, इंश्योरेंस फंड तो उसी दिन से कटेगा लेकिन सेविंग फंड नेक्स्ट अप्रैल से कटेगा जब वो जॉब में लगा हुआ है। ठीक है, अगर बाय द वे उसकी डेथ हो जाती है तो क्या करें? तो ध्यान रखना है आपने, जितना भी उसने इंश्योरेंस फंड में जितने भी जमा कराए हैं उसमें ध्यान रखना है आपने, उसका उसको 1000 times उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, जैसे TGT है, ठीक है, TGT है तो उसका आपका 9 रुपए कट रहा है ना, तो 1000। ठीक है, ठीक। और जो सेविंग फंड है, जो सेविंग फंड है, अगर तो उसकी डेथ हो जाती है तो सेविंग फंड उसके घर वालों को मिल जाएगा, अगर उसकी डेथ नहीं होती है तो ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो सेविंग फंड का पैसा है उसको मिल जाएगा। ठीक, एक बात और इसमें टेक्निकल पॉइंट है कि अगर कोई 55 ईयर्स की एज में, 55 ईयर्स की एज में अगर गवर्नमेंट जॉब में आता है तो उसका GIS नहीं कटता, यानी उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे।